हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेट्स सी गाइज आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और आई होप गाइज आप लोग अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, अपना अपने ऊपर आपका फोकस है। लेट्स सी गाइस क्या निकल कर आता है। ठीक है, फोकस कीजिए आप अपने पर्सन की एनर्जीज पर और हम देखते हैं। मुझे पहली एनर्जी यहां पर ये फील हुई है गाइस कि जितने जितने दूर आपके पर्सन आपसे हैं उतने ही दूर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से भी है। ठीक है, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है गाइस वो ये कि आपके पर्सन जितना आपसे दूर है उतना ही थर्ड पार्टी से दूर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इस वक्त आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या आपसे लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर ये भी क्लियरली नजर आ रहा है कि उस पर्सन से जिसके साथ भी ये है, जो भी आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, उनके साथ भी इनके कनेक्शन सही नहीं चल रहे हैं। तो आज के दिन में मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लेकर कुछ फैसले आपके पर्सन आज के दिन में करना चाहते थे। यहाँ पर सिक्स सिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब सिक्स नंबर है। सो जैसे लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं और यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को लेकर कुछ स्ट्रांग एक्शंस या कुछ स्ट्रांग मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है इस पर्सन की। यानी कि जैसे फर्स्ट एनर्जी मुझे यही दिखाई दी थी कि आपके पर्सन आपसे तो दूर हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन मुझे ये भी नजर आया था कि थर्ड पार्टी से भी उतना ही दूर है। लेकिन यहाँ पर ये भी नजर आ रही है कि इसको लेकर कुछ स्ट्रांग एक्शंस भी आपके पर्सन ले रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए गाइज, आप लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब आज के दिन में भी आपके पर्सन ने आपकी तरफ चलने के बारे में दो कदम नहीं सोचा। ठीक है, लेकिन हाँ ये मैं देख सकती हूँ कि इस पर्सन से, ये अगर कोई पर्सन है या फैमिली है या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपके कनेक्शन के बीच में आ रहा है, तो इससे दूर होते हुए मैं आपके पर्सन को डेफिनेटली देख रही हूँ। मतलब एनर्जीज में ये बताने की एनर्जीज आपके पर्सन की ऐसी समझ में आ रही है कि अभी इनके जो कदम है आपकी तरफ नहीं बढ़े हैं, लेकिन हाँ इन्होंने उस पर्सन से, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी से डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया है और ये आने वाले समय में डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर सिक्स नंबर बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट निकल कर आया है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ गाइस कि जितना ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में ठहराव को लेकर आया जाए, ठीक है, लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस किया जाए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गाइज यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ गाइज की कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी यहाँ पर ऐसी हैं जो आपके पर्सन को ये करने नहीं दे रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रिगर इनको डेफिनेटली मिलते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ वहां से इनको भी ट्रिगर करने की कोशिश की जाती है। मतलब जो पर्सन आपके करना चाहते हैं बेसिकली उनको वो करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये कि जब भी ये ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं या फिर ज्यादा सोच लेते हैं एंजाइटी में, तो इन्हें बहुत स्ट्रेस की वजह से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। एक एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, पर्सन दोहरी जिंदगी जी जी कर थक गए हैं। ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम से ये दोहरी जिंदगी जी रहे थे।
मतलब चल कुछ और रहा है इनके मन में, लेकिन दिखा कुछ और रहे हैं, ठीक है। और वो दोहरी जिंदगी को आपके पर्सन यहाँ पर खत्म करना चाहते थे आज के दिन में। यहाँ पर गाइस टी लेटर है, टी। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छी आदतों को भी ऐड किया है, ठीक है। जैसे कुछ ऐड कर रहे हो या अपनी लाइफ में कुछ जोड़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको जोड़ने के लिए पर्सन कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर जोड़ रहे हैं, ठीक है। सी गाइज, आज के दिन में ये पर्सन आपके लिए ये सोच रहे थे कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे शख्स हो, ठीक है, जो अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। आपके बारे में जो फीलिंग्स इनकी आज के दिन में थी वो ये थी कि आप ना अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत हो। आपने बिल्कुल गाइज एक एक मोर वाली एनर्जी आ रही है, आपने पीकॉक को देखा होगा ना, वो कितनी ब्यूटीफुल होती है। सो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा यू नो उसी तरीके से देखते हैं, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम यू नो यूनिक, ठीक है। और यू नो आप आपकी आवाज बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। आप डांस बहुत अच्छा कर सकते हो, लाइक आप क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। पीकॉक को देख के लाइक लगता है कि बहुत खूबसूरत यू नो बहुत खूबसूरत पंछी है, ठीक है। एंड काफी अच्छा डांस करता है, एंड मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यू नो डिफरेंट कलर्स गाइज, ठीक है, डिफरेंट कलर्स। एंड लाइक आप एक ऐसे इंसान हो जो जो अगर मौजूद है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को स्प्रेड करता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पर्सन आपके बारे में आज के दिन में सोच रहे थे। बेसिकली यहाँ पर ये नजर आ रही कि पर्सन आपकी हीलिंग को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है। और इस तरह की एनर्जीज के साथ ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आज के दिन में इनका जो नाम है वो आपको बार 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 हर जगह पर दिख रहा हो। इसका मतलब है ये कि ये यू नो आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, एक एनर्जी भेज रहे हैं जहां पर ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये आपकी हीलिंग चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कभी नाम दिखाई देते हैं सडनली 2-4 दिन में एक बार, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन यू नो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज के थ्रू। एंड वो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यू नो आपकी एनर्जीज चाहते हैं, आपकी हीलिंग को चाहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ गाइस कि इस पर्सन को ना मतलब ये एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये कि पर्सन नो सोए पड़े थे, ठीक है। एनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि पर्सन बहुत लंबे टाइम से सोए हुए थे, ठीक है। और जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एनर्जी निकली थी गाइस वेकअप कॉल की, ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि आपके पर्सन को वेकअप कॉल मिल रहा है, ऐसे ही गाइस ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन ना इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक ये वो वाली एनर्जी है जहां पर कोई इंसान सो रहा है और उसको जगाया जा रहा है कि भाई उठ जा, अब टाइम आ गया तेरे उठने का, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप में से काफी सारे लोगों के पर्सन को डिवाइन यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर अवेयर अवेयरनेस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। यू you नो know, आपके थ्रू ये उनको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ आपके पर्सन ही आपको चीजें सिखाते हैं या फिर आपको ही लेसन मिलते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को भी लेसन मिलते हैं, उन्हें भी आपके थ्रू ही चीजों को सिखाया जाता है, ठीक है। एक ठीक है, मैं ये नहीं कह रही गाइस कि आपके पर्सन नार्सिसिस्टिक है, लेकिन एक नार्सिस्ट और एक एम्पैथ को इसीलिए ही डिवाइन आमने सामने लेकर आते हैं ताकि वो एक दूसरे को दिखा सके, ठीक है। जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा यू नो काफी ज्यादा यू नो स्पिरिचुअल होता है और सबके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोचता है। तो डिवाइन उसको कहीं ना कहीं सिखाना चाहते हैं कि आपको अपनी अच्छाई में बैलेंस लेकर आने की जरूरत है। और जो नार्सिस्ट होता है तो उसको कहीं ना कहीं डिवाइन ये सिखाना चाहते हैं कि देखिए वो सामने वाला जो इंसान है वो कितना लॉयल है, कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये अच्छाई तुम्हारे अंदर भी है, तो इसको पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को सिखाई जाती हैं। तो आपके पर्सन को आपने भी बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, ठीक है। आपके थ्रू से डिवाइन उनको काफी कुछ सिखाना चाहते थे। तो मैं देख रही हूँ कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली परिवर्तन की राह पर है, ठीक है। उनको भी बदला जा रहा है, ठीक है। सिर्फ आप ही नहीं हो जो चेंज हो रहे हो, ये पर्सन भी चेंज हो रहे हैं आज के दिन में। ये पर्सन मैं ये देख रही हूँ गाइस की ये पर्सन कहीं ना कहीं गाइस इनको सबसे अच्छा लगता है गाइस आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। आपके पर्सन की सबसे ज्यादा फेवरेट जो
चीज है वो यही है कि आप इनके साथ अकेले हो और कोई भी ना हो, ठीक है। ये एनर्जी है, तो ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, एक बहुत डीप फीलिंग, डीप कनेक्शन, एक इंटीमेट एनर्जी मुझे यहाँ पर फील होती है। पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि जब भी आपके साथ हो, ठीक है, तब कोई और भी हो, ठीक है। अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी सारी बातों को आपसे कहना चाहते हैं, आप पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज में ये लग रहा है कि आज के दिन में यही सोच रहे थे कि एक ही मेरी लाइफ में ऐसा इंसान मुझे मिला है जिससे मैंने दिल खोल कर सब कुछ बोला है, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा बातें, इतना सब कुछ अपने दिल का इन्होंने इन्होंने हो सकता है अपने पेरेंट्स को भी ना बताया हो, ठीक है, जितना ही आपको बता देते थे। सो ये आज के दिन में यही सोच रहे थे कि एक ही तो इंसान था मेरी लाइफ में जो बहुत बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी था, जिसके सामने मैंने सारी बातों को रखा है, पूरा दिल खोल के रखा है, जिसको मैं सब कुछ बताता था, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की आज के दिन में थी। गाइज इस पर्सन के लिए ना आप उतने ही ज्यादा कीमती हो जितना एक शरीर का हिस्सा होता है ना, ठीक है। जितना एक शरीर का हिस्सा होता है उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इस पर्सन के लिए हो, ये भी मैसेज मिल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे एक इंसान के शरीर का कोई हिस्सा अगर आप ले लेते हो तो इस इंसान की जो हालत होगी बिल्कुल वैसे ही इस पर्सन की हालत होगी अगर आप इसकी लाइफ से दूर हो जाते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं गाइज साइलेंट लवर होते हैं, ठीक है, जताते नहीं है, लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन है आपके लिए, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो साइलेंट लवर होते हैं, जो ज्यादा शोर मचाना पसंद नहीं करते, जो प्यार के लिए ज्यादा शोर नहीं मचाते कि मेरे अंदर फीलिंग्स हैं और मैं प्यार करता हूं या करती हूँ। वो मतलब उनके बिहेवियर में, उनकी बातों में, उनके एक छोटे से छोटी सी जेस्चर में भी आपको उनकी फीलिंग्स नजर आ जाएंगी। ये उस तरीके की पर्सन की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि इस पर्सन का जो एक्शन है वो आपकी तरफ काफी स्लो है, ठीक है। इस पर्सन का जो एक्शन है आपकी तरफ काफी ज्यादा स्लो है, ऐसा भी लग रहा है। ये स्ट्रांग आपके पर्सन स्ट्रांग थर्ड पार्टी कनेक्शन में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन गाइज अब आज के दिन में ऐसे भी सोच रहे थे कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये आपके इतने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। आज के दिन में ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये आपके इतने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। ना चाहते हुए भी आपने इन्हें अपनी तरफ खींचा है, ठीक है, ना चाहते हुए भी आपने इन्हें अपनी तरफ खींचा है, और लिटरली ये आपसे अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। इस पर्सन को गाइज आप थोड़े से इस समय थोड़े से ऐसे भी लग रहे हो जैसे आप उनसे बातें छुपा रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे बातें छुपा रहे हो, कुछ बातों को आप उनसे हाइड कर रहे हो। आज के दिन में ये भी सोच रहे थे आपको लेकर कि आप इनसे कुछ बातें छुपा रहे हो, ठीक है। अब ये बातें गाइज ऐसी भी हो सकती है कि आप इस वक्त में इनको अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी किसी भी चीज के बारे में बताना नहीं चाहते, ठीक है। आप बिलीव नहीं कर रहे, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे इनके ऊपर, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर कि आप कुछ बातें इनसे छुपा रहे हो, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हो, ठीक है, जो आप अपने पर्सन को क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। आप ये चीजें कर नहीं रहे हो, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे आज के दिन में। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी फील होता है, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा गाइज ये मैसेज, कि आपने उनसे मुंह फेर लिया है, ठीक है। लिटरली यही एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे एक पर्सन इस तरफ देख रहा है, एक पर्सन इस तरफ देख रहा है, ठीक है। एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हो, एक दूसरे से मुंह फेर लिया, एक दूसरे को पीठ दिखा दिया आपने, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। सो आप में से कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर इस तरीके से भी है कि आप मुड़ गए, ठीक है, आप उनकी तरफ नहीं देखना चाहते,
अब आप उनको अपनी लाइफ में वापस आने देना नहीं चाहते। ठीक है, ये रिजेक्शन वाली एनर्जी मुझे 2-3 दिन से दिखाई दे रही है। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन की तरफ आप देखना नहीं चाहते। ठीक है, आप लिटरली इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हो। ठीक है, और ये चीज वो फील कर पा रहे हैं आपकी। जब भी गाइज आप मूव ऑन के बारे में सोचते होगे, ठीक है, तो आपको हो सकता है इस पर्सन का बहुत स्ट्रांग इस पर्सन की या तो वाइब आती होगी या फिर आपको इनका नाम दिखता होगा, क्योंकि इनकी एनर्जीज इनकी मैं ये देख रही हूँ कि इनकी हायर सेल्फ कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि आप इनसे मूव ऑन करो। ठीक है, लेट्स सी गाइस कार्ड से क्या आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स। डिवाइन मैस्कुलिन, सेक्सुअल फ्रीडम, थ्री ऑफ वैंड, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स नंबर मुझे दिखाई दिया था रीडिंग में, बैलेंस का नंबर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू मोर कार्ड्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स। बॉटम से है मून की एनर्जी। गाइज यहां पर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में, एक तो मैंने बताया गाइज आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा डीप थी इनकी। ठीक है, ये मतलब इनके मन में ये रहता है कि आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करे और उस वक्त कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इंटीमेट फीलिंग्स थी ये, तो मैंने आपको बताया रीडिंग में। इसके अलावा गाइज ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन, ठीक है, समझदार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टैरो से एम्प्रेस की एनर्जी आई है। सी, उन लोगों के लिए डेफिनेटली मैसेज है जो अपनी फेमिनिन एनर्जी में है, जो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, जो अभी परेशान नहीं हो रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने कनेक्शन के लिए परेशान नहीं हो रहे हैं, सरेंडर किया हुआ है उन्होंने, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि उनके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। ठीक है, उनको बिल्कुल मिरर कर रहे हैं। मैंने आपको रीडिंग में बोला भी था कि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें इनको भी सिखाई जा रही हैं। ठीक है, अगर आप चेंज हो रहे हैं तो ये पर्सन भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप अगर वेटिंग एनर्जी में है तो ये पर्सन भी डिस्टॉर्टेड है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों की हीलिंग चल रही है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहे कि दोनों ही अपने आप को बैलेंस कर रहे हो और हीलिंग पर फोकस है। ठीक है, स्पेशली आपका, ठीक है, स्पेशली आप लोगों का जो फोकस है वो पूरी तरीके से हीलिंग पर है, क्योंकि आप जो हील कर रहे हो खुद को, ये हीलिंग उनको भी काम आ रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस की पर्सन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चीजों को बैलेंस आज के दिन में करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, और इनके मन में ना गाइस प्यार सिर्फ आपको लेकर है, सो ये न्यू बिगनिंग आप ही के साथ करना चाहते हैं, ये फैमिली आप ही के साथ बनाना चाहते हैं। ठीक है, इनको उनका जो एक इनकी जो अल्टीमेट खुशी है गाइस वो आपके साथ है, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातों को लेकर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे थे आज के दिन में कि आप उनसे छुपा रहे हो। ठीक है, आप उनसे छुपा रहे हो, आप उनको कुछ बताना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आपको पता है और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें बताएं, लेकिन उन्हें ऐसी फील हो रही है आपकी एनर्जी की, आप उन्हें बताना नहीं चाहते। ठीक है, ये मुझे यहां से नजर आ रहा है। यू लेटर है, पाइसेस, यंगर, अगस्त, स्कॉर्पियो, क्यू लेटर है, एट नंबर है, सॉरी वी लेटर है, मे मंथ है, हेजल आइज, जुलाई मंथ है,
फोर नंबर है एंड कैप्रिकॉन. आई हैव थॉट अबाउट रीचिंग आउट टू यू बट देन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ. आपके पर्सन कह रहे हैं मैं सोचता हूं तुम्हारी तरफ आने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, पास आने के बारे में, बट फिर मैं खुद को रोक लेता हूं. यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल, विल यू हेल्प मी. आपके पर्सन हेल्प मांग रहे हैं गाइस, ठीक है, आपके पर्सन हेल्प मांग रहे हैं. मुझे ये रीडिंग में भी फील हुआ था. यू आर एट द लाइट ऑफ माई टनल, यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल. इनकी जहां भी सोच खत्म होती है, इनकी जहां भी यू नो इन्हें चीजें समझ में आना बंद हो जाती है, वहां से रोशनी की किरण सिर्फ ये आपको देखते हैं और ये बोल रहे हैं कि आप इनकी मदद करेंगे, मदद चाहते हैं बेसिकली. जब से मैंने प्यार को जाना है तब से मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपना माना है. ये तीन मैसेजेस गाइज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं. ओके सो गाइज ये है आपकी रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू गाइज़.